या कैसी लगी सर आपको? वेरी गुड, अमेजिंग मूवी, बहुत बहुत अच्छी मूवी है, हर किसी को देखना चाहिए, हर इंडियन को देखना चाहिए मूवी। कंगना रनौत इज एन टू टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर, तो उनको जज करना नो कमेंट्स उनके बारे में, वो बहुत ही वेटरन एक्ट्रेस है। कहने का वेरी नाइस मूवी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस फिल्म में पूरी की पूरी फिल्म जो है वो हिस्टोरिकल बेस है, हिस्टोरिकल बेस है, तो उसमें जो होना चाहिए जैसा इम्पैक्ट होना चाहिए वो तो है ना, तो वो उसमें अच्छी डायरेक्शन बहुत अच्छा है, और इसके जो सपोर्टिंग कास्ट हैं दे आर वेरी नाइस। कंगना रनौत वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी, मतलब उसमें एकदम ओरिजिनलिटी जो झलकती है ना, कि एक लड़की कैसे मतलब अननेसेसरी का वो नहीं है, मतलब दिखावा नहीं है, मतलब जो है होता है ना, जैसे लड़कियाँ होती है और उसके बाद वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन उसमें है। अच्छी मूवी है, हिस्टोरिक मूवी है और देशभक्ति की। क्या खास बात लगी है फिल्म की आपको? कंगना रनौत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एक्चुअली वो क्या होता है ना कि सभी मेरे को अभी जो सब लोग पूछ रहे हैं कि स्टोरी कैसी है, डायरेक्शन कैसा है, वो एक आपका ना आपको दिखाता कि आप किस हिंदुस्तान में रहते थे। अच्छा। और वो चीज़ हम भूल गए, मतलब मैं बोलता हूँ कि अगर बाहुबली को किसी मूवी ने कम्पीट किया तो वो ये है। क्या बात है? नहीं, ये है कि कंगना रनौत की एक्टिंग आपको कैसी लगी? बहुत शानदार है सर, मतलब ऐसा होता, मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी तो मैं इतना एक्साइटमेंट हो जाता हूँ कि मेरे को लगता है कि मैं एक बार जाके और देखूँ। अंकिता लोखंडे की एक्टिंग बहुत शानदार, कैरेक्टर को कितना जस्टिस दे पाई है, मतलब रानी लक्ष्मीबाई लगती है वो स्क्रीन पे कि हाँ रानी लक्ष्मी? बिल्कुल लगती है। अच्छा। बिल्कुल लगती है, आपके सामने ऐसा लगता है कि सच में कोई रानी लक्ष्मीबाई है और लड़ रही है। तो कंगना टॉप में आने वाली है एज एन एक्ट्रेस? वो तो ऑलरेडी टॉप में थी, लेकिन अब वो टॉप पे नहीं है, अब वो टॉप से भी ऊपर। आई थिंक मस्ट वॉच, एवरी इंडियन शुड गो एंड वॉच, सबको देखना चाहिए इसको, ब्लॉकबस्टर बनाओ यार। अगर बाहुबली जैसी, बाहुबली से आई थिंक उसकी पूरी टक्कर की मूवी है, आप VFX से लेके फाइट सीक्वेंस जितनी भी चीज़ें देखोगे इट्स अमेजिंग। आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते उसकी एक्टिंग पे, आई थिंक कोर रीज़न है पूरी मूवी में। आई थिंक आप कंगना रनौत देखोगे ही नहीं मूवी में, आप रानी लक्ष्मीबाई को ही देखोगे पूरी मूवी में। अच्छी लगी पिक्चर और एक्टिंग वाइज बहुत अच्छी है, क्लीशे नहीं है कुछ, जो हमने पहले देखा है लड़ाइयाँ पिक्चरों में देखते हैं वैसे वाला कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है। कंगना रनौत की एक्टिंग कैसी लगी? मैं जज नहीं कर सकती, शी इज़ अमेजिंग एक्ट्रेस और हमारी इंडियन इंडस्ट्री में पहली एक्ट्रेस है जो इतनी बड़ी एक्ट्रेस है कि उनको किसी हीरो की ज़रूरत नहीं है, वो हीरो ही है हमारे। अंकिता लोखंडे अमेजिंग, शी इज़ अमेजिंग, प्रीटी बहुत अच्छी है। मणिकर्णिका ना ऑसम मूवी है और मैं सजेस्ट करूंगा सभी से कि ये मूवी देखें, क्योंकि इसमें जो माइथोल को जो हिस्टोरिकल जो मूवी बनाई है कर्णिका ने, तो बहुत तरह की मूवी की है, फैशन की है, जो भी की है फैशन, तो उस मूवी में काफ़ी अच्छा उन्होंने किया था, लेकिन ये अलग टाइप की मूवी है और उनका जो भी एक्टिंग है ऑसम है, उन पर वो इस मूवी शूट भी करती है, पूरा सी डिड पूरा जस्टिफाइज नहीं किया, जो भी रोल का उसने पूरी तरह से अच्छी तरह से जस्टिफाई किया और जो भी डायरेक्शन है उनका भी बहुत अच्छी है। कंगना रनौत की एक्टिंग पसंद आई? बहुत पसंद है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी मूवी है, काफ़ी अच्छी। अंकिता लोखंडे या जो भी सपोर्टिंग एक्टर है, कुलभूषण खरबंदा, अंकिता लोखंडे ने अच्छा जॉब किया। डायरेक्शन मैं मानता हूँ कि उनका ये सबसे बेस्ट मूवी होगा मेरे हिसाब से, उनका जो भी पहले का जो मूवी था उससे उनका उन्होंने बेस्ट किया, इतना बड़ा मूवी को बनाना, इतने बड़ी मूवी को बनाना, उसके बाद वार सीक्वेंस ने एक नहीं 3-4 वार सीक्वेंस ने दिखाया है और काफ़ी अच्छी तरह से दिखाया है। जैसे पद्मावत में आप देखे होगे कि वार सीक्वेंस जो है सो बहुत मतलब कम दिखाया गया, पूरा एक साथ एक दो को लड़ाते, लेकिन पूरे एक साथ क्राउड को जो भी फाइट करा वो काफ़ी अच्छा है। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।